देश में 1 अगस्त से ये 5 बदलाव हुए हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको इस चैनल के अपडेट नहीं मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसलिए गाइस, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें, ऐसी ही नई नई जानकारी को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त से कुछ 5 बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें कि आपके काम और आपकी जेब पर बहुत असर पड़ने वाला है। कुछ जगह तो फायदे हो रहे हैं और कुछ जगह नुकसान भी हो रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और जहां गाड़ियों के खरीदी सस्ती हो गई है तो दूसरी तरफ बैंकों के कर्ज लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इन 5 बड़े बदलावों के बारे में। पहला है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन GST की दरों में कटौती हो गई है। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन पर लगने वाले GST की दरों में कटौती करने का ऐलान कर दिया था। ये नई दरें आज से यानी कि 1 अगस्त से लागू होने जा रही हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर GST की दर 12% थी, जिसे सरकार ने 5% कर दिया था। ऐसे में अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं और इसकी कीमत अगर 10 लाख रुपए है तो आपको 70,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव है कि रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना अब सस्ता हो गया है। अगस्त से ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट को खरीदना सस्ता हो गया है। नए फैसले के तहत ग्रुप हाउसिंग में 6% और कमर्शियल में 25% सरचार्ज खत्म कर दिया गया है। ऐसे में कमर्शियल प्रॉपर्टी के सर्किट रेट में 21% की कमी आई है। तो वहीं नोएडा के शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर्स और एयर कंडीशन की वजह से लगने वाला 6% का सरचार्ज हटा दिया गया है। तीसरा बड़ा अपडेट है, SBI में IMPS सरचार्जेस फ्री हो गए हैं। देश में सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 1 अगस्त से ऑफलाइन फंड ट्रांसफर को फ्री कर दिया है। SBI ने IMPS चार्ज को खत्म कर दिया है और 1 अगस्त से पहले इस तरह के ट्रांजेक्शन पर चार्ज वसूला जाता था। चौथी बड़ी अपडेट है, फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें कम हो गई हैं। 1 अगस्त से बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि ये परिवर्तन आम आदमी के लिए मामूली परेशानी भरा है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्राइड डिपॉजिट पर ब्याज दर घटा दी है। अलग अलग अवधि के लिए ब्याज दरें 50 पॉइंट से 75 पॉइंट तक घट गई हैं। इससे SBI के ग्राहकों की बचत पर मिलने वाले ब्याज में कटौती हो जाएगी। पांचवी और आखिरी बड़ी अपडेट, यूनियन बैंक की ब्याज दर। 1 अगस्त से ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR आधारित ब्याज दरों में कटौती की है। नई दर 1 अगस्त से लागू हो गई है, मतलब EMI सस्ता होगा और लोन लेना भी सस्ता हो जाएगा। इससे यूनियन बैंक के ग्राहकों को काफी फायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।